दूर हुस्न का दीदार हुआ ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ कजरा रे नैन सर पर दुपट्टा आंखों में शर्म और ढेर सारा सेलिब्रेशन। भाई बारिश के मौसम के साथ ही आ गया है त्योहारों का मौसम और पूरा विश्व तैयार हो गया है ईद के त्योहार के लिए। और ऐसा ही कुछ हाल हमारी टीवी की बहू बेटियों का भी है जो सज धज कर कर रही है ईद के चांद का दीदार। कोई आंखों में काजल लगा रहा है, कोई दुपट्टा ओढ़ रहा है, कोई कर रहा है खास श्रृंगार, तो कोई डांस से कर रहा है इस त्योहार का स्वागत। पर त्योहार होता है परिवारों के मिलने जुलने के लिए, सजने संवरने के लिए, और ऐसा ही कुछ टीवी का ये परिवार कर रहा है इस ईद के मौके पर। तो चलिए मिलते हैं टीवी की सास बहू और बेटियों से और जानते हैं वो क्या पहनने वाली है, कैसा मेकअप करेंगी, कैसा डांस करेंगी और क्या कुछ होगा इस त्योहार पर धमाल। सबसे पहले चलते हैं जी टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के सेट पर, जहां पर ईद की जबरदस्त तैयारी हो रही है। इस शो की सारी लेडीज कर रही हैं खास श्रृंगार, फिर चाहे वो घर की बहू जारा हो या फिर हो इनकी सासू माँ, सब ने आज खास श्रृंगार किए हैं। बड़े बड़े झुमके पहने हैं, बड़े बड़े पासे पहने हैं, आँखों को काजल से सजाया है और सर पर दुपट्टा डालकर पहन लिया है पारंपरिक लुक। भाई सास बहू के अलावा देवरानियां और जेठानियां भी आज खास गेटअप और श्रृंगार में हैं। और इन लेडीज के साथ घर के मर्द भी देखिए कैसे रंग गए हैं त्योहार के रंग में। देखिए सब लेडीज ने कैसे कबीर बाबू को भी अपने इस रंग में रंग दिया। सबसे पहले मिलते हैं जारा से, जो देखिए इस ईद पर खुद चांद बनकर सबके दिलों पर छाने वाली है। तो ईशा, इस बार कैसा होगा ईद पर आपका लुक? मैं आपकी ईशा यानी कि आपकी जारा। तो ईद आने वाली है और सबको मैंने सुना है कि लुक बहुत पसंद आ रहा है मेरा, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मेरे यानी कि जारा जैसे कैसे तैयार हों ईद पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो लगती है वो ये मेरी नोज पिंग है, मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत डेलिकेट सी है, बहुत सुंदर सी है, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बहुत डिफरेंट टाइप की मिलती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है ये पाशा, ये पाशा यानी कि जो साइड में लगता है ये अपने आप में ही इतना सुंदर है कि काफ़ी ब्यूटी और इन्हांस कर देता है लुक को। तो यहाँ मेरे पास तीन तरीके के पाशा हैं, एक ये, दूसरा ये वाला और तीसरा ये। तो मेरा फेवरेट ये वाला है, मुझे ये वाला पाशा बहुत पसंद है। ये देखो, तो मैं ईद पे ये तो पहनने ही वाली हूँ, ये तो फॉर श्योर है। गले में नेक पीस, ये चोकर सेट है। तो मुझे पर्सनली चोकर्स बहुत पसंद है, तो मैं ये प्रेफर करूँगी। ये मेरे कुछ कड़े हैं जो मुझे अम्मी ने दिए थे। आपके गले में बहुत ज़्यादा कुछ हैवी है, तो अगर आप ईयरिंग्स बहुत लाइट डालोगे तो अच्छा लगेगा। ट्राई करिए दोनों बहुत हैवी हैवी ना हो, अच्छे लगते हैं। मैं भी कई बार शो में पहनती हूँ, बट मुझे पर्सनली पसंद है कि या तो गला खाली और ईयरिंग्स बहुत हैवी हो, या फिर गला भरा और ईयरिंग्स बहुत लाइट हो। तो ये थोड़े हैवी ईयरिंग्स हैं, तो इसके संग हल्की सी गले में चेन डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। भाई ईशा के लुक में खास है उनके सर का ये दुपट्टा और ईद का ये खास डांस और स्वैगर। ये कलर बहुत प्यारा है, रॉयल ब्लू कलर है, और इस सबसे ज्यादा हैवी वाला दिखाता हूँ। ये भारी है, काफ़ी भारी है। तो इसको आप साइड पे भी डाल सकते हो और अगर सिर पे भी डाल रहे हो तो बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा सा एक लुक देता है। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। को अगर ईद अगर मेरे आउटफिट्स पसंद हैं तो इसी तरह अपनी भी ईद खास बनाइए। मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। दुपट्टे अच्छे अच्छे, पाशा, नेकलेस, ईयरिंग्स। हैव फन एंड ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अब भाई जारा इतनी सज धज के तैयार है तो कबीर बाबू तो इन पर फिदा होंगे ही। ईद से पहले चांद नजर आ गया तो यही हालत होगा। हाँ नहीं, नॉर्मली चांद ईद पे नजर आता है, मगर ये किधर से आ रहा है? मुझे आवाजें आ रही हैं, मुझे आवाजें आ रही हैं।
मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लीजिए इतनी खूबसूरत. नहीं नहीं नहीं, सच में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह. और थैंक यू की बात नहीं, जो अभी हकीकत है वो हकीकत है. जैसे मैं इंग्लिश में कहता हूँ, इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ फैक्ट. तो फैक्ट ये है कि मैम आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और आई एम ऑनर्ड टू बी इन योर प्रेजेंस. सास बहू एंड बेटिया के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक. ईद मुबारक. वैसे घर की बाकी लेडीज की तैयारी भी पूरी है, खासकर जारा की सासू माँ जिनका ये पासा काफी शानदार है. हेलो एवरीवन, सास बहू और बेटिया में मैं हूँ गुन और आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि ईद के वक्त पर किस तरह तैयार हुआ जाता है. इनफैक्ट यही एक फेस्टिवल है जहाँ पर आप अच्छे से अच्छा तैयार हो सकते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे तैयार होंगी, ठीक है. आप इसको इस तरह पहन सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक पाशे की तरह भी पहन सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है. आई डोंट नो इफ दिस विल लुक गुड एज अ मांग टीका, नो आई डोंट नो, बट यू कैन ट्राई. आजकल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, ठीक है. तो ये मैं उसको एज अ ईयरिंग्स पहनती हूँ. तो मैंने ये मैं हो गई हूँ तैयार अपनी ईद के लिए. और ईद की साड़ी देखिए मैंने कैसे ड्रेप की हुई है. इसको मैंने टिपिकल प्लीट्स की तरह नहीं ली हुई है, आपने देखे मैंने प्लीट्स झुला दिए हैं बिकॉज दैट विल गिव यू बहुत अच्छी फॉल आती है, क्योंकि मेरा ब्लाउज एक जैकेट की तरह है अगर आप देख रहे हो तो. सो इट गिव्स यू वेरी स्टाइल, बहुत क्लासी लगता है, स्टाइलिश लगता है. तो इस ईद में सिर्फ रेगुलर मत कीजिए, स्टाइलाइज कीजिए अपने आप को. नाचो धनादन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे आप जरा मिलते हैं जारा की देवरानी जीनत से, जो इस त्योहार के मौके पर खुद जान बनकर सबको कंपटीशन देने वाली है. तो देखते हैं जीनत मैडम कौन सा काजल लगा रही है, कौन सा दुपट्टा पहन रही है और कैसा डांस करने वाली है इस ईद पर. पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी. पहले नहीं थी चांदनी, हो यूं शबनमी, पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया. वैसे तो आपने जीनत को शो में देखा ही होगा, उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज़ वो ऑल टाइम डेक्ड अप रहती है. पर ईद का मौका है और अगर ईद में अगर आपको सजना है, अगर आपको थोड़ा सा मेरी जैसा दिखना है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. तो वैसे तो मैंने ये दुपट्टा ऑलरेडी लगा रखा है और इस दुपट्टे को और भी कई स्टाइल से ले सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. पर उससे पहले मैंने ये नेकलेस पहना है. ये नेकलेस आप ऐसा कुछ मार्केट से बाय कर सकते हो एंड इट हैज़ अ ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन. उसके साथ मेरे ये स्पेशल स्मॉल झुमकी, मुझे वैसे तो बड़े बड़े झुमके पसंद हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे सीन में मुझे ये ग्रीन झुमका दिया है तो अभी मैं यही पहन लेती हूँ. झुमकी मुझे वैसे झुमके बहुत पसंद है. अगर कोई मेरा फ़ैन मेरे चेहरे पे स्माइल देखना चाहता है तो मुझे झुमके गिफ्ट कर सकता है. और ये रिंग्स हैं जो मेरा एक पेटेंट स्टाइल दिया गया है जीनत को, ये आप वैसे पहन सकते हैं. बैंगल्स हैं, बैंगल्स डाल सकते हैं. और अभी अगर मेकअप की बात करें तो मेकअप में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि काजल. काजल से या तो आप
यू नो ऐसा कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है जब लड़की काजल नहीं लगाती तो आंखें बहुत सूनी सूनी लगती हैं. मैंने लाइनर बहुत थिक लगा रखा है इसलिए मैंने काजल नहीं लगाया है, लेकिन अगर मैं लाइनर पतला लगाती हूँ तो मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ. लेकिन अभी मैंने ये लाइनर बहुत ज़्यादा थिक लगाया तो अभी आई एम नॉट गोइंग टू पुट दिस. वैसे तो विंक्ड लाइनर बहुत ज़्यादा इन है और मुझे थिक लाइनर लगाने का बहुत शौक है, तो मैंने देखिए विंक्ड लाइनर लगाया हुआ है, तो आप इसको भी थोड़ा विंक्ड कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ. तो ये विंक्ड लाइनर मुझे बहुत पसंद है, हाफ ऑफ द टाइम मैं इसी को लगा के घूमती रहती हूँ. एंड बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कभी कभी क्या होता है कि ये वाला बड़ा बन जाता है, ये वाला छोटा बन जाता है. तो द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन पुट, एक मास्किंग टेप आती है, उस मास्किंग टेप को आप यहाँ पर अपने हिसाब के अनुसार यहाँ पर आप चिपका दीजिए. देन उसके बाद यू पुट अ लाइनर एंड देन रिमूव इट, तो आपका वो जो विंक्ड लाइनर है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा. थोड़ा सा लिपस्टिक अगर मैं बोलूँ तो ब्लश ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अभी मैं फ़िलहाल ये लिप ओके. अगर आप अपनी आईज़ बहुत ही ज़्यादा स्मोकी करते हैं या बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जस्ट पुट अ वेरी लाइट लिपस्टिक. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी इफ़ यू पुट अ वेरी डार्क लिपस्टिक लाइक रेड एंड फ्यूशिया पिंक और मे बी मरून, देन डू योर आईज़ वेरी नॉमिनल. बहुत ज़्यादा स्मोकी तब मत कीजिए. अगर आप स्मोकी आईज़ करेंगे और फिर डार्क लिपस्टिक लगा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिर वो यू नो दैट फैशन एंड दैट स्टाइल वो मर जाएगा. ये हमें मतलब मुझे ये दी गई है, मुझे बहुत पसंद है. मेरे पास एक लोटस की नोज रिंग थी, वो गुम हो गई, बट स्टिल आई हैव दिस एंड दिस लुक्स रियली रियली गुड. और ये हमारा एक छोटा सा पाशा है, वो पासे को हम यहाँ पे ऐसे टक इन कर सकते हैं. सी तो पासा लगाना हमारे को मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और सब ईद का मौका है तो पासा के बिना तो सारा श्रृंगार जो है अधूरा रह जाएगा. मार्केट्स में इश्क सुभानअल्लाह पाशा करके भी आया है, सो गो एंड फाइंड फॉर दैट. ईद के लुक को कंप्लीट करता है ये पाशा और एक नथ. तो आप भी जाइए और अपने लुक को एनहांस कीजिए और ईद के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे. आप सभी दर्शकों को ईद मुबारक. वैसे ईद के मौके पर सारी फैमिली एक साथ जमा हुई और डांस कर रही है, और सबसे मज़ेदार था कबीर बाबू का लेडीज को घेर लेना और उनका ईद श्रृंगार हो जाना. इश्क सुभान अल्लाह की तरफ से और सब खूबसूरत इंसानों की तरफ से ईद मुबारक. ईद मुबारक. मुबारक ईद मुबारक. और मेरा नाम है कारा. और कैसी लग रही हूँ मैं? जब ज़ारा शॉट नहीं दे पाती है तो मैं अब बारी है चलने की. स्टार प्लस की सीरियल ये है मोहब्बत के सेट पर, जहाँ की लेडीज भी कर रही हैं ईद की खास तैयारी. जरा देखिए अनीता हसनदानी आज कैसे सज रही हैं. भाई नागिन में तो नागिन बनकर दिखती हैं, लेकिन आज ये ईद के लिए खास लुक ले रही हैं. इनके सर पर लगा ये पासा इन्हें अलग बना रहा है और ईद पर ये बन गई है चांद का टुकड़ा. वेल सबसे पहले whoever's watching ईद मुबारक. एंड आई थिंक ईद के लिए एक बहुत ही गॉर्जियस एक्सेसरी है जिसे कहते हैं पासा. आई थिंक इट कम्प्लीटली चेंजेज योर लुक एंड इट्स वेरी ड्रेसी एंड इट्स वेरी ईजी ऑल्सो टू जस्ट वेयर समथिंग लाइक दिस. आपके पास कोई भी इयर रिंग हो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन जस्ट पिन इट अप और जस्ट हैंग इट. सो आई फील अ पासा इज़ द एक्सेसरी फॉर ईद. सो गाइज ईद मुबारक. ऑनेस्टली मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है सो आई गेट एन एलर्जी. लाइक इस लुक के लिए मैंने चोका पहना है लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही है. बट आई लव वेयरिंग हैवी इयर रिंग्स. आई लव डूइंग थिंग्स लाइक दिस फॉर ओकेजन्स. आई थिंक ज्वेलरी इज़ एन एक्सेसरी जो आपके लुक को एंटायरली बदल देता है. सो आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ. आई विश मुझे स्किन रैशेज ना होते तो मैं और चोकर्स और खूब सारी ज्वेलरी पहनती. दुपट्टा आई फील रियली डिपेंड्स ऑन आप कहाँ जा रहे हो, क्या ओकेजन है. अगर आपको अपना सर ढकना है, आपको साइड पे रखना है, आपका आउटफिट सारी टाइप है. सो इट रियली डिपेंड्स. बट आई थिंक विद समथिंग लाइक अ पासा आई वुड जस्ट कंप्लीट कवर इट इन टू द स्टोन. सर पे ढकना चाहें थोड़ा सा पीछे ताकि पासा दिख भी जाए. ईद मुबारक. अब मिलते हैं घर की बेटी रूही यानी अदिति भाटिया से, जो ईद के रंग में देखिए कैसे खुद को रंग रही हैं. दुपट्टा ओढ़ लिया, पासा पहन लिया. भाई अच्छी बेटी की तरह इस त्योहार पर सजना संवरना जरूरी है. तो ईद मुबारक मेरी तरफ से
एंड यस इस तरह आप भी अपने ईद का लुक बनाइए और बस मेकअप मेरी तरह मत करिए. मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल मेकअप करती हूँ बट देन हाँ ये ईद का लुक ज़रूर रखिए. एंड या आई वॉन्ट टू सी योर ईद लुक्स इफ़ यू लाइक माइंड तो प्लीज़ आप भी बनाइए एंड मुझे टैग करिएगा मैं देखूँगी पक्का. थैंक यू ईद मुबारक. अब मिलते हैं इश्ता की ननद और घर की बुआ जी सिमी से यानी अंग्रेजी शिरीन मिर्जा से. हाय सास बहू और बेटियाँ, मैं हूँ शिरीन मिर्जा आप सबकी प्यारी सिमी और आज मैं आ गई हूँ आप सबके साथ ईद का कुछ स्पेशल फ्लेवर लेके, यानी कि ईद पे किस तरीके से रेडी हों, क्या क्या करें. आज आइए मेरे साथ और सीखिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ. या भोपाल की रहने वाली शिरीन के लिए ये ईद बहुत ही खास है और ऑथेंटिक तरीके से शिरीन हमें बता रही है कि इस ईद पर कैसे सजे. यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं लेकिन झुमका जो कि कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत अच्छा वो एक टच दे देता है अगर मैचिंग का कोई अच्छा सा झुमका आपने पहना है. और आजकल लोग झुमके को यहाँ पर भी पहनते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सा यू नो डिफरेंट सा लगता है, बड़ा मांग टीका लगता है. और अगर आपको मांग टीका नहीं पहनना है, अगर आपने एयरिंग बना के पहना है इसको, तो ये पासा जो कि एकदम मुस्लिम ट्रेडिशनल पासा कहते हैं जिसे, वो आजकल काफ़ी इन भी है और उसको हम यहाँ साइड में लगाते हैं. टीके को हम बीच में लगाते हैं लेकिन पासे को साइड में लगाते हैं. और ये देखिए इतना प्रिटी सा लग रहा है और ये आपके लुक को एकदम डिफरेंट कर सकता है. और क्या कर सकते हैं, आई थिंक दुपट्टे के साथ यू कैन प्ले अलॉन्ग. आजकल बहुत अच्छी अच्छी बेल आने लगी हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट कलर के दुपट्टे आने लगे हैं जो अगर आप दुपट्टे सर पे लेंगे तो भी अच्छा लगेगा. लेट मी शो यू. ऐसा हुआ तो ये तो हो गया एयरिंग और ये हो गया पासा. आई थिंक ऑलमोस्ट अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है लुक कम्प्लीट हो चुका है. लेकिन हम और क्या कर सकते हैं, हम इनफैक्ट ये गोल्ड कलर का है ये भी हम ट्राई कर सकते थे. अगर आपको थोड़ा हैवी लुक देना है सो यू कैन ट्राई दिस हियर एंड दिस विल ऑल्सो गिव अ वेरी नाइस लुक. अदर देन दैट आई थिंक काजल एक्चुअली ये मेबिलिन का जेल लाइनर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो आँखों को एकदम अच्छा सा बड़ा सा दिखाता है गॉडी सा. तो अगर हम काजल लगाएंगे तो आंखें और प्यारी लगेंगी और सुंदर लगेंगी. कहते हैं कि आंखें दिल की जुबान होती हैं तो इंसान आंखों से बहुत कुछ कह जाता है. तो कोशिश करें कि आंखों से ही सब कुछ कह दें और मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े. न्यूट कलर और पिंक कलर, तो जैसे अभी मैंने अपनी आईज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड की हुई है तो मैंने एकदम लाइट कलर लगाया लिपस्टिक पर. तो आई थिंक दैट गोज क्योंकि हमारा ब्राइट सूट भी है तो सब कुछ बहुत गॉडी होगा तो अजीब लगेगा. तो थोड़ा सा प्रोपोर्शनल करें और दुपट्टा दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो अगर कोई मैरिड है तो आई वुड सजेस्ट कि आजकल बहुत अच्छे अच्छे तरीके के दुपट्टे आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा अच्छा गोटा पत्ती ये सारे वर्क आ रहे हैं विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड ऑथेंटिक यू नो. तो वो सब बनवाएं और आप चाहें तो दुपट्टा ऐसे ले सकते हैं. आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला लुक. और मैं शादीशुदा नहीं हूँ उसके बावजूद मैं कुछ मैं ऐसा लुक रखना चाहती हूँ. एंड आई यूजली कीप समथिंग लाइक दिस क्योंकि ढका हुआ सर एक तो बहुत अच्छा लगता है और दूसरा ये लुक एक अच्छा सा लग रहा है. आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट एंड नाइस. आई एम वेयरिंग दिस प्लाजो पैंट्स जो कि एक मेरा ईद लुक पूरा कर रहा है मेरे हिसाब से. तो यहाँ से लेकर जो कहते हैं टिप टू टो मैं तो ईद के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ. तो आप सबको ईद मुबारक. जो हो रहा है पहली दफा है बल्ला ऐसा हुआ. इसके बाद बारी है सीरियल नागिन के सेट पर चलने की जहां पर आज रक्षंदा खान भी ईद के रंग में रंगी हुई है. रक्षंदा के लिए ईद बहुत ही खास है. यूं तो उनकी शादी हिंदू परिवार में हुई है लेकिन आज भी ईद के मौके पर उनका श्रृंगार अलग होता है. तो रक्षंदा जरा बताएं ईद पर कैसे सज बन रही हैं आप. 100% बहुत ज्यादा जरूरी आई थिंक इस काजल. आई लव यूजिंग काजल. स्ट्रेंजली आज इस लुक में बिल्कुल काजल नहीं है लेकिन अगर आप वेट करेंगे रात तक तो एक और लुक है उसमें बहुत सारा काजल है. जब आपको थोड़ा ड्रेसअप सा फील करना है तो ऑब्वियसली यू शुड यूज़ अ नाइस ब्राइट शेड ऑफ लिपस्टिक. आज मैंने भी मोस्टली ऑन द शो आई डोंट यूज़ वेरी डार्क शेड्स बट आज क्योंकि एक स्पेशल लुक था इसलिए आई हैव यूज्ड रेड. आई पर्सनली लव रेड एंड हॉट पिंक, ये दो मेरे फेवरेट कलर्स हैं. एंड अगर आपने तो थोड़ा सटल रखना है डे के हिसाब से तो आप हल्का सा स्मोकी आइज़ कर लीजिए और
सिर्फ बहुत सारा अगर आप ग्लॉस भी लगा लेंगे इवन दैट वर्क्स अ लॉट. ईट इनफ बिरयानी एंड हैव लॉट्स ऑफ शिरकुरमा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. झुमका काइंड ऑफ पर्सन, तो आप अगर मेरे किसी शो में भी देखेंगे ना, मोस्टली आई लाइक द आइडिया ऑफ झुमकाज. और आई थिंक माई हेयर ड्रेसर विल बी एबल टू टेल यू दैट माई करंट क्रेज इज दिस कालचेन. I love them. So I have like different types. पासा पता है, मैं एक्चुअली हमेशा से अपने लिए एक बनवाना चाहती थी. मैं अपनी शादी के दिन भी पहनना चाहती थी. आई डोंट नो व्हाई आई नेवर एंडेड अप वेयरिंग इट, बट आई थिंक इट वुड लुक नाइस ऑन मी इफ आई डिड. यू नो, सी, आई शुड ट्राई इट दिस ईद. आई थिंक आई विल. तो एक फाइनल टचअप के लिए एक. और सारी की सारी सास बहू और बेटियाँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. यानी कुल मिलाकर ईद के स्वागत के लिए सीरियल की बहू बेटियां तैयार हैं अपने श्रृंगार और रूप से सबका दिल जीतने के लिए. तो ईद के चांद के साथ ही आप टीवी के चांद के टुकड़ों का दीदार कीजिए और कुछ ऐसा श्रृंगार कीजिए जैसे टीवी की ये बहू बेटियां इस ईद बन गई हैं चांद का टुकड़ा. दिल ने दस्तरखान बिछाया. मुंबई से श्रुति बजाते हैं का हैशटैग ब्यूरो. दिल ने दस्तरखान बिछाया. दावत-ए-इश्क है.